मैं साधारण परिवार का, हमारा जो स्वभाव था उसके अनुसार मैंने कहा कि हमको एक नई यह फाइटर प्लेन, लड़ने वाली यह प्लेन मिल रही है, ताकतवर प्लेन मिल रही है, इसका प्रयोग करने के पहले हमको इसको बाकायदे इसकी पूजा करनी चाहिए। तो मैं गया, उस पर ओम लिखा, नारियल फोड़ा, रक्षाबंधन जो बांधा जाता है रक्षा भी बांधी। अब यहां कांग्रेस के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल कम्युनल हो गए हैं, सांप्रदायिक हो गए, ओम लिखने पर इनको आपत्ति है। बहरे भाई, ओम क्या आपके घरों में ओम नहीं लिखा जाता? मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे ये सिख भाई यहां पर बैठे हुए हैं, क्या वो एक ओंकार शब्द नहीं बोलते हैं? एक ओंकार नहीं बोलते हैं? क्या इस पर जो है कांग्रेस के लोगों को आपत्ति है? क्या हमारे क्रिश्चियन लोग आमीन नहीं बोलते हैं? क्या हमारे मुस्लिम भाई आमीन नहीं बोलते हैं? इस पर सवाल खड़ा किया गया। और जिस समय मैं पूजा कर रहा था वहां सभी धर्मों के मानने वाले लोग मौजूद थे, वहां पर मुस्लिम भी थे, वहां पर ईसाई भी थे, वहां पर हिंदू भी थे, वहां पर सिख भी थे, सभी लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे। और उस पर भी यहां पर कांग्रेस के लोगों को, जबकि उसका स्वागत करना चाहिए था कि हमारे देश में इतनी बड़ी फाइटर प्लेन आ रही है, और लोगों ने आलोचना शुरू कर दी बिना सोचे विचारे, जो कुछ भी आता है वो बोलते रहते हैं। और बहनों भाइयों, इससे यदि ताकत यदि मिलती है इन कांग्रेस के लोगों के बोलने के कारण, तो पाकिस्तान को ताकत मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनको मुंहतोड़ जवाब इस चुनाव में दिया जाना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस चुनाव में भी इसका मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाना चाहिए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।